की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर भी विचार हो, कमिटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट आने के दो हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदम की जानकारी दे। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही अहम फैसला, आपको एक बार फिर से हम बता दें, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता से। अंकित, बिल्कुल अखिलेश, देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट के मामले पर सुनवाई चल रही थी उसी दिन अपना जो है जो एक आदेश था वो तो जो एक हम ऑपरेटिव पार्ट कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान कह दिया था कि जो री एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि री नीट नहीं होगा। लेकिन उसी मामले में अब विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा है और उसमें जोर किसी बात पर है कि कैसे परीक्षा को जो पूरी प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सके, जिससे कि जो घटनाएं अभी सामने आई हैं, जो सीबीआई की जांच में सामने आई है या जो है पटना या गुजरात में सामने आई है जिस तरीके की घटनाएं, वो दोबारा ना हो। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे कमिटी। तो केंद्र सरकार ने एक कमिटी बनाई है जो इसरो के पूर्व प्रमुख है राधाकृष्णन, उनके नेतृत्व में वो कमिटी सुझाव दे केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार उस पर क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाए। तो पूरा जो है जोर इस वक्त ये है कि परीक्षा को किस तरीके से और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके जिससे कि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ियां और सवाल न उठें। बिल्कुल, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर भी विचार की बात कही गई है। कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे ये कहा गया है और रिपोर्ट आने के दो हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदम की जानकारी दे। अंकित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि साफ तौर पर कहा गया है रिपोर्ट के आधार पर कदम क्या उठाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो है मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था नीट का मामला और सुप्रीम कोर्ट में भी ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने री नीट का आदेश नहीं दिया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर शुरू होने से पहले कुछ जगहों पर पेपर बाहर आया, कुछ छात्रों को मिला। और सिर्फ यहाँ पर पटना की बात नहीं, पटना और झारखंड की बात नहीं है, गुजरात में किस तरीके से वहां पर जो कोई और शख्स है वो एग्जामिनेशन देता हुआ पाया गया, इस तरीके की तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं और ये मामले सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक तौर पर गड़बड़ी न मानते हुए रीनीट का एग्जामिनेशन का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अब कोशिश यही है या सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये है कि ये जो सवाल उठते हैं, ये जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन होता है। या यही नहीं, बाकी एग्जामिनेशन भी जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, किस तरीके से उनको जो है एक तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, किस तरीके से वहां जो गड़बड़ियां संभावित हो सकती हैं उनको रोका जाए या जो इससे पहले हुई हैं उनको कैसे लगाम लगाई जाए, उसी तरफ ये कदम है। जी, और अब अभी की बड़ी खबर, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में भी सुधार की बात कही गई है, इस पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट आने के दो हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय भी रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों की जानकारी दे। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के साथ। अंकित, क्या महत्वपूर्ण बातें आज के फैसले में नजर आ रही हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ है, सुप्रीम कोर्ट का मकसद यह है कि भले ही इस साल जो है रीनीट का आदेश ना दिया गया हो, लेकिन भविष्य में इस परीक्षा को लेकर के, और सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं बल्कि एनटीए जो तमाम परीक्षाएं जो है आयोजित करता है उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी या जो किसी भी तरीके के जो पेपर लीक जैसे आरोप ना लगे उसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए हैं, और कमेटी से कहा है, जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी परीक्षा सुधार को लेकर के, उस कमेटी से कहा है आप देखिए ये सुझाव कितने फिजिबल है, यानी कि किस तरह से इनको लागू किया जा सकता है या फिर इसमें किस तरह से बदलाव करके लागू किया जा सकता है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद यह है
कि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो है किसी भी तरीके की गड़बड़ी भविष्य में ना हो, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव ये भी दिया है कि छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, क्योंकि अभी जो गोधरा में जिस तरीके की घटना सामने आई थी वहां पर क्या पाया गया था कि छात्र ने एग्जाम दिया लेकिन उसके बाद में उनसे कहा गया कि आपको जितना आता है आंसर आप फिल कर दीजिए, बाकी टीचर्स या फिर जो लोग वहां पर मदद के लिए मौजूद थे उन्होंने उसको आंसर शीट को फिल किया। तो इस तरीके की भी घटनाएं सामने आई हैं। पटना और झारखंड में पेपर लीक जैसे मामले सामने आए हैं। देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का एग्जामिनेशन का आदेश ना दिया हो, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य आए हैं, फिर चाहे वो पटना ईओयू की रिपोर्ट हो, झारखंड में जो जांच चली उसकी रिपोर्ट हो, सीबीआई की जांच की रिपोर्ट हो, उससे एक बात साफ है। वो क्या है? वो ये है कि पटना और झारखंड में कुछ सेंटर्स पर पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर कुछ छात्रों के हाथ में आ चुका था। यानी कि सरकार कह रही है ये एक ब्रीच है, लेकिन आप इसको ब्रीच कहें या लीक कहें ये तो एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन असल में क्या हुआ है? असल में ये हुआ है कुछ छात्रों के हाथ में ही सही, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का आदेश क्यों नहीं दिया? उसकी वजह ये थी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने नहीं आई है और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, अगर कुछ थोड़े बहुत छात्रों के बीच में कहीं पर कुछ इस तरीके से गड़बड़ी हुई भी है तो उसके चलते तमाम छात्रों को उसका प्रभावित नहीं किया जा सकता, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट यानी कि नीट को दोबारा करवाने का आदेश नहीं दिया। लेकिन अब क्या जोर है? अब जोर यह है कि एनटीए जो तमाम परीक्षाएं आयोजित करवाता है उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी भविष्य में ना हो, पेपर लीक या पेपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है जिसमें काफ़ी चीज़ इररेगुलरिटीज जो हमने पॉइंट आउट की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है, और जो कमेटी फॉर्म किया है गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन जैसे पेपर आपका ट्रैवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रैवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट जहां इम्परसोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है, और कमेटी जो फॉर्म हुई है उनको थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो जो भी पॉइंट्स हैं जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमारे कोर्ट के पास भी आएगी। So the Honorable Supreme Court has laid down various guidelines regarding paper leak. तो आपने सुना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अंकित विस्तार से आपको पूरी जानकारी भी इस पर दे रहे थे कि क्या क्या बातें कही गई हैं। शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ABP News आपको रखे आगे।